गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सूक्तियाँ ऑन प्राधीनता, प्राधीनता पर सूक्तियाँ। प्राधीनता मीन्स किसी के अधीन रहना, स्वतंत्र ना होना। स्वतंत्र ना होकर कोई कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ये तो सब जानते हैं। और भारतवासी भारतवासी यह क्यों नहीं जानेंगे, जो कि सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजों की प्राधीनता में रहे और सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज तक नहीं उभर पाया है। अभी तक यह एक विकासशील है। तो आइए पढ़ते हैं ये सूक्तियाँ। और ये एक स्टूडेंट ने स्पेशली डिमांड की थी कि उसको होमवर्क मिला था कि प्राधीनता पर 5 सूक्तियाँ लिखनी हैं, तो मैंने उसके लिए लिखी हैं। आइए पढ़ते हैं हमारी पहली सूक्ति, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है और बड़ी ही सिंपल है। प्राधीन सपने हूँ सुख नाही, सोच विचार देख मन माही। अर्थात प्राधीन प्राधीन के सपने में कोई सुख नहीं है। जरा आप सोच विचार कर ही देख लीजिए, जरा सोच कर देखिए, एक पक्षी पिंजरे में है, चाहे वो सोने का क्यों नहीं है। आप उसको खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बैठे बिठाए उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो प्राधीन है। वह उड़ नहीं सकता अपनी मर्जी से, तो वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सभी सूक्तियों का अर्थ लगभग एक जैसा है, तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इन सूक्तियों की रीडिंग कर देती हूँ। नाउ सेकेंड इज, हितोपदेश में कहा गया है, प्राधीन को यदि जीवित कहें तो मृत कौन है। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। प्राधीन को यदि जीवित कहें तो मृत कौन है। आइए पढ़ते हैं थर्ड सूक्ति। थर्ड सूक्ति जो है कवि दिनकर जी ने लिखी है। स्वातंत्र जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है। भारी वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्वातंत्र जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है। भारी वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है। नाउ चौथी सूक्ति पढ़ते हैं। तृष्णा जहाँ होवे वहाँ ही जान ले संसार है। होवे नहीं तृष्णा जहाँ, संसार का सो पार है। वैराग्य पक्का धार कर मत भूल विषयासक्त हो। तृष्णा ना कर हो जा सुखी, मत भोग में आसक्त हो। आइए अब लास्ट सूक्ति पढ़ लेते हैं हम अपनी। पांचवी सूक्ति है, धिक्कार है उस अर्थ को, धिक्कार है उस कर्म को, धिक्कार है उस काम को, धिक्कार है उस धर्म को, जिसमें ना होए शांति, सॉरी लिखा है होवे, जिसमें ना होवे शांति, उस व्यापार में क्यों सख्त हो। पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर मत भोग में आसक्त हो। आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर इट इन योर ग्रुप। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।